हेलो सर, वेलकम टू पत्रिका डॉट कॉम। सर, वर्तमान समय में हम देख रहे हैं फिल्मों में कुछ ऐसे अगर चीज़ें आती हैं जो एंटी गवर्नमेंट होती हैं, तो उस पर कैंची चलाई जा रही है, अब सेंसर बोर्ड के द्वारा नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। हाल ही में हमने तमिल की फिल्म मरसल में देखा, जब GST पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, आखिरकार वो सीन काटना पड़ा रिलीज के बाद भी। तो क्या ये सिनेमैटिक जो लिबर्टी है, एक आर्टिस्ट की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार है? सीधी बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल है, नहीं होना चाहिए। मरसल मैंने देखी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये तो बारे क्यों नहीं होना चाहिए बाबा। अब इतनी इतनी कमज़ोर क्यों है गवर्नमेंट की, उसे अपनी पॉलिसीज़ पे इतना भरोसा नहीं है कि एक सिनेमा के माध्यम से दिखा दिया गया तो उसे क्या लगा कि मतलब वो हिल गई क्या, मतलब उन्हें चोट पहुँच गई, लोग बाग कन्विंस हो जाएंगे। तो पॉलिसीज़ पर, अगर पॉलिसीज़ अप्लाई की हैं तो उन पर भरोसा करो, उन पर यकीन रखो कि हाँ ये पॉलिसीज़ सही हैं और कुछ सोच समझ के ये निर्णय लिए गए हैं। तो ये तो बहुत ही छोटी सी बात है कि मरसल पर आप उसमें सीन काटना पड़ा, और गुलाल में तो पूरे के पूरे बड़े बड़े सीन्स कटे, बड़े बड़े सीन्स। हाँ, उस समय तो कांग्रेस का राज था जी। तो इसका मतलब है कि कोई भी सच्चा मतलब बंदा नहीं है, इसका मतलब ये कोई भी सच्चा बंदा नहीं। पहले के दौर में सर राजा विदूषक रखा करते थे ताकि वो बताता था उनकी बुराई, अब मुझे लगता है एक चारण भाट ही चाहिए। नहीं, अब तो वही विदूषक हो गए ना, जितने राजे हैं जितने नायक हैं वही विदूषक हैं आजकल, तो उनसे बड़ा विदूषक कौन है। तो वो को करने देना चाहिए इन लोगों को, जो अभिव्यक्त कर रहे हैं वो नहीं करने देना चाहिए, वो तो फिर जंगल राज हो जाएगा, है ना। तो सेंसर तो होना ही चाहिए। वो दायरा अलग अलग कंट्री का अलग अलग होता है, हर कंट्री का प्रवेश, हर कंट्री का इथॉस अलग अलग होता है। तो हिंदुस्तान के इथॉस में सही बात है, हिंदुस्तान के इथॉस में कुछ एक चीज़ों पर पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन ये GST पर पाबंदी, GST का डायलॉग काट दिया, ये गुलाल के सीन्स काट दिए, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तो मेरे ख्याल से अपनी पॉलिसीज़ की कमज़ोरी का भान होना, मेरे ख्याल से इस बात का परिचायक ये है कि अपनी पॉलिसीज़ की कमज़ोरी का भान है कि कहीं हमने गलत तो चीज़ नहीं कर दी। वरना करो, आपके मतलब जो पॉलिसीज की हैं, अप्लाई की हैं, उनके रिजल्ट भी आएंगे, यकीनन आएंगे, बहुत दूर नहीं है, आएंगे। तो वो अगर उन रिजल्ट पर भरोसा है आपको कि जो है वो रिजल्ट सही आएंगे, तो ये सब करने की जरूरत नहीं। एक और दौर देखा जा रहा है, बड़े बड़े नेता अभिनेताओं की मिमिक्री हम टीवी पर देखते हैं। लालू जी ने तो ट्वीट करके भी कहा कि अगर मेरी मिमिक्री से किसी का पेट भरता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अमिताभ जी की लोग मिमिक्री करते हैं, लेकिन जब हाल ही में श्याम रंगीला ने एक शो में मोदी जी और राहुल गांधी की मिमिक्री की, तो मेकर्स ने कहा कि हम इसे टेलीकास्ट नहीं कर सकते, जबकि वो सोशल मीडिया पर उसी वजह से छाए हुए हैं। तो मेकर्स की गलती है, मेकर्स की गलती है। राहुल जी की कहाँ, राहुल जी की बड़ी ज़बरदस्त मिमिक्री होती है, मोदी साहब की बड़ी ज़बरदस्त मिमिक्री होने से आपके उस शख्सियत की का मैग्नीट्यूड कम नहीं हो रहा। उस शख्सियत के किसी की मिमिक्री करने की हमें ज़रूरत तभी पड़ती है जबकि वो मिमिक्री के लायक हो, इतना ज़्यादा पॉपुलर हो, भले वो राहुल गांधी साहब हो या मोदी जी हो। प्रसिद्धि जो है, इसका मतलब है कि दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, तो उन्हें अपनी प्रसिद्धि पर गर्व होना चाहिए कि हाँ हम प्रसिद्ध हैं। अमिताभ बच्चन नेवर ऑब्जेक्टेड, सबसे अधिक जो है मिमिक्री उन्हीं की हुई है पिछले 35 साल में, लेकिन उन्हें कोई आपत्ति नहीं। तो और लोगों को आपत्ति क्यों, ये छोटी छोटी बातें हैं, मुझे लगता नहीं है कि इन पर ध्यान भी देना चाहिए आपको भी। मेरे ख्याल से जो प्रेस वाले हैं आपको, हाँ ठीक है, इशू है, आप लोग समझते हैं कि इशू है कि ये उस पर जनरल रिएक्शन पर आप पाबंदी लगाई जा रही है, तो ये नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चूँकि आप म्यूज़िक से जुड़े हैं बहुत, अभी कल ही हम जब श्रेया से बात कर रहे थे तो एक बात निकल के आई कि बॉलीवुड म्यूज़िक इंडस्ट्री में फीमेल जो म्यूज़िक डायरेक्टर कंपोज़र है उनकी बहुत कमी है, पूरा मेल डोमिनेटिंग है। तो क्या यार, मैं उस तरह से म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं हूँ वहाँ पर नहीं। मैं सीजन म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं हूँ और ना ही म्यूज़िक इंडस्ट्री से मेरा कोई खास लेन देन है। बहुत मैंने एक फिल्म का, दो तीन फिल्मों का म्यूज़िक किया और उसके हिसाब से जो है मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर मान लिया गया। ऐसा नहीं है, फीमेल अब आती नहीं है फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर, तो क्या करें। पुरुष जब आई, स्नेहा आई थी तो उसने बड़ा अच्छा काम किया, स्नेहा खानकर ने, और भी जो आए हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन ऐसा बोलना बड़ा मुश्किल है कि अगर अहमियत वहाँ पर अगर कमी है तो उसमें म्यूज़िक डायरेक्टर्स की ही, उनका ही दोष है। वो आ नहीं रही हैं, आ रही हैं तो खूब काम मिल रहा है उनको, जब आती हैं तो खूब काम मिलता है। स्नेहा 23 साल की थी जब आई थी, स्नेहा मेरी पल्ले पड़ी थी शुरू में आके, मेरे को अच्छी तरह याद है। 2003 में वो आई थी, किलिंग ऑफ अ पॉन फिल्म मेकर करके फिल्म थी, इरफान के साथ में तिग्मांशु बना रहा था, तो उसमें उसने बला का म्यूज़िक किया था, मैंने लिखे थे उसमें सॉन्ग्स। वो आ नहीं पाई अलग बात है,
बाद में उसने गैंग्स ऑफ वसूपुर में काम किया, उसका उसने अच्छा खासा अलग थलग म्यूज़िक दिया। तो ये लोग जो हैं मतलब म्यूज़िक डायरेक्टर्स आ नहीं रहे, महिला फिल्म निर्देशक आ नहीं रही, जब आती हैं तो बाकायदा उनको तरजीह मिलती है, ऐसी बात नहीं। अच्छा सर, एक एक्टर के तौर पर पीयूष जी को कभी ऐसा सामना करना पड़ा कि उनकी अभिव्यक्ति पर कैची चला दी गई हो? गुलाल, गुलाल तो रिएक्शन क्या रहता है यार, क्या बनाऊं मैं, वेब सीरीज में चले जाऊं? नहीं नहीं कुछ नहीं है, बनाना हमारा काम है, काटना उनका काम है, दैट्स ऑल। हम बना रहे हैं वो काटे, हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, हम बना रहे हैं, खूब बना रहे हैं, वो काटे काटते रहें। अच्छा सर, और हम पीयूष जी को स्क्रीन पर कब देखें? अब देखो यार जल्दी देखो, अब अभी तो मैं लगा हुआ हूँ अपने नावल में, अपना पोएट्री के कलेक्शंस में, वो सब प्लेज में वो पब्लिश हो रहे हैं प्लेज सारे के सारे, तो अभी तो उन पर ध्यान। हाँ एक्टिंग कर रहा हूँ मैं अभी, एक कैनेडियन फिल्म है वो आ रही है पालकी करके, दूसरी कैनेडियन फिल्म है GL50, तीसरी करने के लिए जा रहा हूँ, ये हैप्पी भाग जाएगी पार्ट टू, फ्रेंचाइज जो है इसकी फ्रेंचाइज बन रही है, तो वो जा रहा हूँ, कर रहा हूँ मतलब ऐसा बिना बोझा लिए कर रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि जो आप भयाक्रांत कर देना ऑडियंस को कि मैं इतना बढ़िया काम करूँगा, थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, काम करो, काम करके आगे निकलो साला, इसके आगे जो है टिकने की ज़रूरत नहीं कि भाई ये अमूर्त है और ये डिवाइन काम है और ये आखिरी काम है ज़िंदगी का, काम करो और काम करके आगे निकलो।